मेरी ये सभी बहनें जिनके मन में, विचार में, कार्य में और संस्कृति में संवेदना है और इन सबका मन एक ही है कि हम किस तरीके से अपने पैरों पे खड़े होकर अपने परिवार का पालन पोषण करें, अपने परिवार को खुशहाल करें, समृद्ध करें। इसके लिए मैंने अन्या फाउंडेशन, जो मेरी बेटी है, इनसे कहा कि नौजवानों का ग्रुप बनाओ और उन महिलाओं की पीड़ा और दर्द को समझो और एक लंबी कार्य योजना बनाकर हम उनको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर सम्मान पूर्वक तरीके से वह जिंदगी जी सके, इसके लिए बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता है। हम जो सामान्य महिला काम करती है उनको घर पर रहकर सिलाई मशीन दें और सिलाई मशीन के बाद एक नए रोजगार को देने का काम शुरू करें। अब सिलाई मशीन के बाद इनको हम कपड़ा दिलाएंगे, कपड़े के बाद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसकी खरीदारी करेंगे, सिस्टम मैकेनिज्म जमाएंगे। आज हमको बहुत खुशी हो रही है। ओम भाई साहब, ओम बिरला भाई साहब हमारी अर्जी को पूरी करते हैं। हमारी लड़की के लिए सिलाई मशीन गिफ्ट में कर रहे हैं राखी के अवसर पे। ऐसी महिलाओं की अलग अलग मोहल्ले के अंदर मीटिंग करें आप। कौन सी महिला कौन सा रुचि का काम कर सकती, कोई पापड़ बना सकती है, कोई मुंगड़ी बना सकती है, छोटा मोटा काम कर सकती है, ऐसे छोटे मोटे आइटम बनाकर उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो बड़ी कंपनियां बिना कमीशन के बेचने का काम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में करेंगी। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी महिलाएं जो कठिनाई में, परेशानी में, जिंदगी की चुनौतियों से लड़ रही है, उन कठिनाई परेशानी चुनौतियों को दूर करने के लिए हम उसका सहयोगी बने। सबसे पहले समाज की अंतिम महिला के जीवन में परिवर्तन करें। जब समाज के अंतिम जीवन कठिनाई में संघर्ष करने वाली महिला को समानता के आधार पर खड़ा करेंगे तो समता मूलक समाज की स्थापना होगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने का काम मेरी ये बहनें करेगी। यही मैं रक्षाबंधन पर आपसे आग्रह करता हूं। मुझे आशा है कि हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ काम करेंगे। आने वाले समय के अंदर जितनी भी महिलाएं ट्रेनिंग करना चाहती हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें और उन सबकी जिस जिस विषय पे रुचि है उसकी ट्रेनिंग कराएंगे और ट्रेनिंग करा कर उनको रोजगार देने का काम करेंगे।